हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संत कबीर नगर जनपद में, यूपी के संत कबीर नगर जनपद में हम लोग आए हैं खलीलाबाद से, यानी संत कबीर नगर से मेहराल रोड पर 7 किलोमीटर पर बालू शासन ग्राम में, जहां भागवत कथा प्रारंभ है। हम लोग यहां देखे कुछ ना कुछ, अब यहाँ वीडियो बना करके आप लोगों तक भेजना चाहिए, क्योंकि धर्म धर्म का प्रचार करना, धर्म के प्रति जागृत करना, सनातन धर्म के लिए अग्रसर होना, ये हम लोगों का दायित्व है। हम लोग चाहे कि एक ब्लॉग बना करके आप लोगों तक भी मैं पहुँचाऊँ, इसी कारण से मैं इस जगह पे आया हूँ। तो अभी कुछ ही पलों में आप लोगों तक हम यहाँ से कुछ झलकियाँ आप लोगों को भेजेंगे कथा का। जहाँ देखिए हम लोग आए हैं, जो कि कथा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को भी मैं कथा वीडियो के माध्यम से सुनाऊँ और यहाँ का कुछ झलकियाँ दिखाऊँ। आप लोग बने रहिएगा हम लोग रामलीला राय साहब के इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बंधु आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बंधु आप लोग बने रहिएगा, अभी कुछ ही पलों में प्रयागराज से आए हमारे महाराज जी, जो कि प्रयागराज की धरती से आए हैं। आप उनके मुखारविंदों से भागवत कथा अभी कुछ ही पलों में आप लोग देखेंगे, सुनेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। बंधुओं आप लोग बने रहिएगा, अभी कुछ ही पलों में मैं आप लोगों को और भी दृश्य दिखाऊंगा। जय श्री सीताराम। देखिए बंधुओं, हम यहाँ आए बालू शासन की धरती पर, जो कि संत कबीर नगर जनपद की सबसे महत्वपूर्ण धरती है, जो संत कबीर नगर से कैदाव रोड पर बालू शासन 7 किलोमीटर पर बसा हुआ है। और यहाँ हमारे वैदिक विद्वान, जो कि प्रयागराज की धरती से आए हैं, मैं इनसे थोड़ा परिचय लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि भाई पहली दफे मिले हैं कि आप, मैं तो इतना जान रहा हूँ कि श्री गंगा जी की पवित्र धारा से और प्रयागराज की पवित्र भूमि से आप लोग आए हैं, इसलिए बंधुओं मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप लोग इनके मुखारविंदों से भी सुने कि आप लोग, ये वैदिक विद्वान हैं, हमारे लिए तो यही है कि मैं यही देख रहा हूँ कि, क्योंकि पूजन कार्य यही लोग करा रहे थे, अभी आए हैं जलपान करने के लिए। थोड़ा भाई थकावट आ ही जाती है शरीर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इनके द्वारा परिचय हो जाए। तो मैं पंडित जी से चाहूँगा कि आप ये बताएं कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? प्रयागराज से आए हैं, प्रयागराज से आए हुए हैं, पंडित हरि नारायण त्रिपाठी नाम है। देखिए पंडित हरि नारायण त्रिपाठी नाम है, प्रयागराज से ही आए हैं और यहाँ पूजन के उद्देश्य से। और अपने आचार्य जी का भी नाम थोड़ा बता दीजिए कि आप उन्हीं के द्वारा आए हैं कि कैसे क्या? प्रयागराज के रहने वाले हैं और शिव कुमार मिश्रा उनका नाम है। जी जी, देखिए उनकी शिक्षा दीक्षा तो आप लोग भाई आप जानते हैं, कथा भी बहुत बढ़िया कह रहे हैं भाई। लोगों से मैं पूछा हूँ गाँव में, तो आपके द्वारा कथा भी बढ़िया हो रही है, तो आप वहीं के हैं मतलब? निजी नहीं, रहने वाले चित्रकूट के हैं। देखिए रहने वाले चित्रकूट के हैं, लेकिन आप प्रयागराज में ही रहते हैं और उन्हीं व्यास जी के साथ आप यहाँ आए हैं पूजन कार्य के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। अब मैं चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, थोड़ा बताइए, क्योंकि आप बड़ा ट्वीट भी लग रहे हैं। यही प्रयागराज से हम भी हैं और शिक्षा दीक्षा भी प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज में एक अलोपी बाग में श्री वैकुंठ धाम आश्रम पड़ता है, वहाँ से रह करके हमने शिक्षा दीक्षा अध्ययन किया। उसके बाद हर सावित्री संस्कृत महाविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और यहाँ पर आप देख ही रहे कि महाराज जी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए बंधु अभी हमने परिचय लिया है तो बहुत सुंदर लगा कि बहुत सुंदर लगा आपसे मिलके। और हम लोग तो भाई इधर उधर भाग दौड़ वाले हैं, लेकिन विद्वानों से मिल करके बड़ी खुशी होती है इस। और आज हमारा भी अहोभाग्य है कि ऐसे ऐसे वैदिक विद्वानों से भाई इनका आशीर्वाद मिला, जो कि देवभूमि से आए हैं, प्रयागराज की धरती से आए हैं, इसलिए कोटि कोटि वंदन है आप लोगों के चरणों में। यही मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, ताकि हम लोग भी आगे चल करके इसी तरह से धर्म का प्रचार कर सकें, क्योंकि सनातन सद्धर्म को जगाना और सनातन धर्म को फैलाना
ये हम लोगों का ही दायित्व है, क्योंकि हम लोग धार्मिक चैनल चलाते हैं और इसी के नाते जो है हम लोग तो ऐसा कोई चैनल नहीं चलाएंगे। मैं भगवान पे भरोसा है कि उन पे भरोसा इसलिए है कि हमारी सनातन संस्कृति बची रहेगी, तो हम लोग भी बचे हैं और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज।